हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल। मैं हूँ निखिल गाइज, और मैं अपने निखिल वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ गाइज। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड भी होने वाली है एंड हेल्पफुल भी होने वाली है। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो को करते स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन गाइज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीज स्पेशल इन 2021 ब्लॉग शेयर करने वाला हूँ। मेरा अभी वन ईयर पहले का जो ब्लॉग था तीज स्पेशल का, आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था उस वीडियो पे। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो, आप मेरे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड कलर के बटन को हिट करके एंड बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे नेक्स्ट ईयर का अगर आप तीज का ब्लॉग देखना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं तीज स्पेशल ब्लॉग। तो कैसे करते हैं हम सबका मेकअप एंड कैसे होता है मेरे यहाँ पूजा, वही सब आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं गाइस। तो देखिए, ये है मेरे मम्मी का तीज का मेकअप लुक। सॉरी टू से गाइस कि मैंने आपको मेकअप ट्यूटोरियल नहीं शेयर किया, क्योंकि लाइट कट गई थी और वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि लाइटिंग की प्रॉब्लम होने की वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। एंड गाइस, वैसे भी मैंने अपने चैनल में बहुत सारे मेकअप के वीडियो अपलोड किए हैं, मैंने वही सेम सब मेकअप किया है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। मैं दो तीन मेकअप की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख लेना। ये देखिए, साड़ी येलो कलर की है, मीशो से मैंने परचेज़ की। अगर आपको चाहिए तो इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये जो ज्वेलरी है, ये भी मीशो की है, अगर आपको चाहिए तो कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेयर स्टाइल का बिल्कुल सिंपल सा था, एंड मैंने एक गजरा लगा दिया था, जो बेली या बेला आई थिंक कुछ भी होता है गजरा। ब्लाउज मैंने से मैंने स्टिच किया है, तो कमेंट बिलो करके बताइएगा कि मुझे आपको मतलब आप लोगों को पर्सनली कैसा लगा। एंड ये है मेरी भाभी, तो इनका साड़ी इनके डाल में मिला था, मतलब ससुराल से चढ़ा था, तो अभी नई नई शादी हुई है, तो इनको कोई साड़ी वगैरह उतना खरीदने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी देख सकते हो इनका भी पूरा मेकअप लुक। एंड ये पूरा नथिया टीका वगैरह सब पहनी, इनका भी मेकअप मैंने ही किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी तीस थी, तो थोड़ा सा इनका ब्राइडली लुक चाहिए था। और यार मतलब ये मतलब पहली बार इनका था, तो बिना पानी के व्रत रहा जाता है, तो इनसे रहा नहीं जा रहा था, मतलब इनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए इनकी आप स्माइल देख सकते हो नहीं है इनके फेस पे, इनका चेहरा कितना सोना सोना सा लग रहा है। एंड ये है मेरी सिस्टर, तो ये मेरी दीदी हैं। आपने इनके आप लोगों ने इनको नेक्स्ट ईयर के ब्लॉग में भी देखा होगा। अगर आप लोग मेरा नेक्स्ट ईयर का तीज ब्लॉग देखना चाहते हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन्होंने कोई मेकअप नहीं करवाया था, बिल्कुल सिंपल था, बस कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के एंटी मैरून लिपस्टिक लगा ली थी, और कुछ भी मेकअप नहीं कराया था। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा। और ये सब मेरा घर है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। एंड ये है मेरी अम्मा जो गाइस। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे सबका मेकअप किया था। सॉरी टू से कि मैंने जो है कि मेकअप का वीडियो शूट नहीं किया, कि मेकअप मैंने कैसे किया, क्योंकि यार लाइट कट गई थी और बिल्कुल ही अंधेरा आ रहा था, मैंने वीडियो स्टार्ट करके देखा था। और वैसे भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो एनीवे, आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी वीडियो में जुड़े रहिए, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो आगे काफ़ी बहुत बाकी है, अभी पूजा वूजा सब बाकी है। अभी अंधेरा होने वाला था, तो मैंने सोचा था क्यों ना अपना थोड़ा सा फेस दिखा के वीडियो शूट कर लूँ। अब सारी वीडियो बैक कैमरे से ही शूट होगी, क्योंकि अब अंधेरा होते जा रहा है, तो फ्रंट से तो एकदम पॉसिबल नहीं है। एंड मेरा जो लास्ट का आउट्रो रहेगा, वो तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है तो अगले दिन शूट करूँ या इसी में एडिट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बताइएगा भाभी दीदी और मम्मी मेरी कैसी लग रही थी। जो ग्रीन कलर की हैवी वर्क की साड़ी पहनी थी, वो मेरी भाभी थी, येलो वाली साड़ी वाली आप लोग पहचानते हो कि मेरी मम्मी। एंड जो प्लेन कलर की ग्रीन साड़ी थी, वो मेरी दीदी थी, अगले साल भी थी, आप लोगों को शायद याद होगा आई थिंक, हाँ अगले साल भी। और जो एकदम प्लेन थोड़ा सा मल्टी कलर में साड़ी पहनी थी, आपको कहीं कहीं वीडियो में दिखी होंगी, वो मेरी अम्मा जी थी। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको पूजा का प्रोसेस कैसे होता है पूजा, तो उसके लिए तो लाइक कर दीजिए गाइस। तो देखिए, सब लोग पूजा करने के लिए बैठ गए हैं, अब तैयारी हो रही है, मतलब पूजा की। भगवान जी को रखा जा रहा है, उनको आसन दिया जा रहा है, फल फूल भी आ गया चढ़ने के लिए, सिंगार का सामान जो होता है वो सब आ गया चढ़ने के लिए। एंड गाइस, मेहंदी भी मैंने लगाई है। आप लोग सोचो यार मतलब इसको क्या क्या आता है, मुझे सब कुछ आता है। एंड प्लीज़ इग्नोर दैट बैकग्राउंड। एंड गाइस, तो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए हैं शंकर जी, पार्वती जी एंड उनके साथ छोटे सा नन्नू सा गणेश जी हैं। यही देखिए मेरी अम्मा है जो अभी उठ रही हैं। एंड और सब तो आपको मतलब पता ही है मेरे घर के बारे में। लाइट आ गई अभी सा, क्योंकि 6 बजे लाइट आ जाती है मेरे यहाँ और 4 बजे कट जाती है, उसी के बीच में मेकअप होता है, उसी समय लाइट कट जाती है। एंड ये मेरी दीदी, एंड ये मेरी दीदी का लड़का है आदित, दोनों मैचिंग कपड़ा पहने हैं, माँ बेटे। एंड बस कुछ यूनिक सा नहीं है, सिंपल सा पूजा पाठ है। ये देखिए, ये हैं शंकर जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी,
आपको मेरे यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा यार, प्लीज़ 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 कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस ब्लॉग को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि व्यूज थोड़े ज़्यादा आएँ। एंड अपनी मम्मी का मैंने न्यूड मेकअप किया है, बस थोड़ा सा लिप को मैंने डार्क रेड रखा है क्योंकि ऐसा होता है ना करवा चौथ या मतलब फेस्टिवल वगैरह पे रेड कलर की लिपस्टिक लगाया जाता है, तो बट हाँ बस उसी तरह मैंने रेड लगा दी, नहीं तो ऐसे सारा इनका फेस का मेकअप न्यूड है क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं हाँ डे में थोड़ा डार्क मेकअप करना अच्छा लगता है।